अपने बना दिए नए जिले, कितना साइज पतली किया है, नया जिला आपने बन गया कितना, कितना हो गया 50 मार दी। 50 मारने के बाद भी अब भी हम भारत में जिलों के हिसाब से तीसरे स्थान पे, यानी पहले पे पहले भी यूपी था, अब भी यूपी है 75 के साथ। दूसरे पे एमपी, अजय पूछे करो ना, इज्जत ना करे करो इतनी। दूसरो है एमपी 53 और राजस्थान है 50। लेकिन गहलोत जी आ गए है, कहते हैं इतना रटो इतना मैं 500 बना दूंगा, मैं चाल रही है काम, तो आपने और बन जाएगा, ए आप तैयार करांगे इतना भी और आ जाएगा। एर बंद की एक नई चीज पर ना सो करे जो आपने किया, आप तो यूट्यूब पर बिलम ला गया रहा एक दो महीना खातर आपनों बिलम आ गयो, क्योंकि ज्योग्राफी सा डाल दी, हिस्ट्री डाल दी, कल्चर डाल दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल दी, हिंदी डाल दी, अब सोचो डालू के कोई नई चीज डाला, फिर एक सोचो भागवत कथा चालू कर दू, वगैरह तुम तो कभी होनी को नहीं, फिर बोलना वो आई यो नहीं काम। जैसे ये खत्म होंगे हम नया आप ले लेंगे, जैसे 7-8 और बन जाएंगे उसके बाद। अब वर्तमान में 50 है, जिस पर हम भारत के अंदर कौन से स्थान पे हैं, तो है नयो जिलो, इसमें लगा देना किसकी है ये कॉपी, भास्कर की है क्या, हाँ ठीक है। ये नया मैप है हमारा, नए मैप के साथ ही पर्यटन का एक नया स्लोगन आ गया, साथ साथ में हेडिंग डालो, अलग डालना है अलग से 30-40 पेज की अलग से लिखना है इनको, क्योंकि लंबे समय तक चलेगा, एक एक चीज में बता तो चलो आप। सबसे पहले हेडिंग डालो जिले, साथ साथ समझा तो जाऊंगा, साथ साथ में लिखा तो जाऊंगा, जल्दी जल्दी लिखो, तो मेरे को टाइम को नहीं, मतलब आदमी अपने आप ने बिजी दिखावे नहीं, बढ़िया लागे मन, टाइम को नहीं, जल्दी करो। जिलो सबसे पहले हेडिंग डालो जिले, सबसे पहले इधर लिखो सर्वाधिक, ऐसे लिखो सर्वाधिक, ठीक है, यहां लिखो जिले, और यहां अगर क्षेत्रफल लिखो तो लिख दो जल्दी जल्दी। सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, फिर हमारा राजस्थान, यूपी एमपी राजस्थान साथ साथ है। यूपी में है 75, इम है 53 और राजस्थान में है 50। इसका क्षेत्रफल है 2.40, एमपी का है 3.08 और राजस्थान का है 3.42, 3,42,000 आ रही है नहीं, ठीक है। इतना जिला बनने के बाद में ही बिल्कुल लिखोगे, और ये थोड़ा जल्दी लिखे करो, इतने बढ़ने के बाद में भी हम वहीं के वहीं है, यानी बड़ा जिला हमें कोई टच नहीं कर पाया, मैं अब भी बड़ा ही हूं। देखो अंग्रेज को नहीं आया कभी जैसलमेर तक, मराठा को नहीं आया कभी, यार अब भी गहलोत जी को ध्यान कौन गयो, आज भी बड़ा कौन है, जैसलमेर ही है, तो लिखो बड़ा जिला जैसलमेर, जल्दी करवा, कालो दिखू एकदम कालो कट दिखण आए हो, अगर इसी कालो में हुआ नहीं तो मन कलर करवा के लिया पढ़ार, क्या थोड़ा चांबड़ कलर कर दे, आ जाओ जल्दी करवा। लेकिन छोटो बदल गयो, अब देखो आप छोटे के अंदर दिख रही है थान पिछला, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, देखो नाम ही छोटो से गोवा। राजस्थान का छोटा जिला, देखो नाम ही छोटो से दुदू, ले बेटा दुदू भी ले दुदू।
नाम ही छोटो सो है, भारत का छोटा जिला हो गया ये। ओनली 3 तहसील है, यानी दुद्ध को कलेक्टर गाड़ी में बैठ के पांचों गैर लगाओगे इतने दूसरे जिले में बढ़ जाओ। लिखो छोटा जिला दुद्ध, छोटा जिला दुद्ध। कम तहसील है 3, तहसील ओनली 3। सर्वाधिक जो तहसील है वर्तमान में, अब भास्कर में और पत्रिका दोनों की न्यूज में इतना अंतर लिख रखा है, कितने जिलों को नहीं छेड़ा गया, एक अखबार लिखे 14, एक लिखे 15। सर्वाधिक तहसील एक अखबार लिखे जयपुर ग्रामीण, एक लिखे उदयपुर। तो सर्वाधिक तहसील जो है अब वो वर्तमान में उदयपुर में है, 16 लिखो, सर्वाधिक तहसील उदयपुर 16। उदयपुर ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो मिटियोगे हो पाछो क्या ले आऊंगा, सागे सागे लिखता जावा नहीं आपा कि नहीं, चलो जान दे गए हो कि नहीं, कोई बात नहीं। देखो बारी बारे को नक्शो तो ही रहेगा भी, अंदर फेरबदल हुआ है, बाहर का तो यही रहना जो है। सबसे पहले चलते हैं, यहां एक जिला है जो नया बनाया है जिसका नाम है अनूपगढ़। हेडिंग डालो अनूपगढ़। जब कल वाली लिस्ट आपने देखी होगी उसमें दो चीजें लिखी गई है, एक जगह तो लिखा है उपखंड और एक जगह लिखा है तहसील। ज्यादा मतलब किससे रखना है हमें, तहसील से। यानी जैसे आप अनूपगढ़ देखोगे तो इसके अंदर उपखंड तो 6 और तहसील 7 है। उपखंड का मतलब जिले से थोड़ा छोटा और तहसील से थोड़ा बड़ा। जैसे हमारा तारानगर पहले उपखंड नहीं था, पहले आता था राजगढ़ के अंदर, हमारे यहां एसडीएम नहीं बैठता था, उपखंड एसडीएम को उपखंड अधिकारी बोलते हैं, अगर आपको बताओ तो, तहसील अधिकारी थोड़ी बोलते हैं उसको, उपखंड अधिकारी मेन एसडीएम होता है। तो हमारा तारानगर किसके अंदर आता था, राजगढ़ के अंदर, लेकिन तहसील थी ये, तहसील पहले भी थी लेकिन उपखंड नहीं था, यानी तहसील से थोड़ा बड़ा। तो हमें उपखंड याद नहीं रखने, याद क्या रखना है, तहसील ही रखनी है कि कितने। तो अनूपगढ़ के आगे लिखो 7 तहसील, ब्रैकेट में लिखो तो लिख दो 6 उपखंड। सारी चीजें रटनी है, रोजान पूछूंगा, रोज दो ही कराऊंगा, रोजान पूछूंगा हम जी आगे, हाँ रोजान कराऊंगा, रोजान पूछूंगा। अनूपगढ़ लिखो 6 उपखंड, तहसील 7। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो अनूपगढ़ साइड में इन साइड आंधी बोली चले चले, गर्मी भी ज्यादा है, बी खातर के लियानी पड़े अपन एसी, एसी अनूपगढ़ एसी, ठीक है। जब भी एसी लाओ तो सियाणा आदमी थे पूछियो दो चीज ही पूछोगा थे, एक तो वह कितना टनगी मेरे थन, आप पूछी से कितना टनगी, कह यार बड़ो कमरो है तो 2 टनगी, छोटो कमरो है तो 1.5 टनगी, टन को मतलब के जी। एक थे पूछा भाई जी रुपया बताओ, हो गया काम। नीचे सूत्र लिखो एसी के जी और आर एस, यानी एसी लियानी है कितना किला की लियानी है, कितना रुपया ही लियानी है। ऐसे लिखो अनूपगढ़, पहले तहसील का नाम लिखो अनूपगढ़, सी से लिखो छत्तरगढ़, छत्तरगढ़ सी ही शुरू हुएगो, सी डबल एच हो गयो 6, छत्तरगढ़ है तहसील है अंदर जकी जकी आओगी अनूपगढ़। तीसरो की है एसी के जी खाजूवाला, खाजूवाला, खाजूवाला की ब्रिकेट में लिखना अनूपगढ़ जो जिला बनाया ना, देखो आप यहां देखना, यहां अनूपगढ़ है, उसके ऊपर है गंगानगर, नीचे है बीकानेर। तो ये दो जिलों से काट के बनाए, कुछ हमने गंगानगर का लिया 60% गंगानगर का ही लिए, कुछ बीकानेर का लिया। तो लिखो जो खाजूवाला लिखा उसके ब्रिकेट में लिखा बीकानेर से, यानी खाजूवाला बीकानेर से काट दिया, बीकानेर से। चौथा तो लिखो गढ़साना, के जी है ना, जी का मतलब गढ़साना, गढ़साना जब भी नाम लिया जाएगा उसके साथ रावला गढ़साना लिया जाएगा, कभी देखना रावला गढ़साना बोला जाता है, तो मैंने अलग से सूत्र में नहीं लिखा। चौथी तो तहसील लिखो रावला, जबकि उपखंड इन दोनों का एक है,
सील दो है ये, इनका उपखंड ओनली गढ़साना ही है। पांचों लिख दे तो क्या बात है। नेक्स्ट लिखो एस है ना, क्या था नेक्स्ट? एसीकेजी और आर आ गया क्या? राहुल गढ़साना, ठीक है। एस, एस का मतलब श्री विजयनगर, विजयनगर नहीं है उसका नाम है, जैसे श्री गंगानगर, श्री विजयनगर, श्री विजयनगर। कितनी होगी तो बच गयो 900, हो जाना चाहिए। पहले 900 है, अच्छा आर एस आर बच गयो तो रायसी नगर, मैं बच 900 गयो, आर बच गयो तो रायसी नगर है, रायसी नगर। सात होगी, ये कहीं करो यहां, यानी ये जिला बनाया है मैंने अनूपगढ़, ठीक है। कितनी तहसील है? सात। अब क्या क्या बदलेगा जीके के अंदर, देखो पाकिस्तान से कितने जिले लगते थे, अब लगने लग गई पांच। तो एक तो लाइन लिखो वर्तमान में पाकिस्तान से पांच जिले, वर्तमान में पाकिस्तान से पांच, पांच जिले, पाकिस्तान से पांच जिले। पांचों के नाम लिखो तो लिख दो, चार वो पहले वाले है ही, पहले वाला हो गया गंगानगर, अनूपगढ़। पांचों नाम लिखो क्रम से, लिखो ऊपर से गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखो, अब कौन से आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे, जिन्हें आंकड़े आने में सालों लग सकते हैं, कौन से आंकड़े? पहले क्या थी कि पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? जैसलमेर। अब भी वही लगेगी, लेकिन कम लगती है, हो सकता है बीकानेर की जगह अनूपगढ़ आ गया हूं। अब कितनी लगती है, ये आंकड़े आने में बहुत समय लगेगा, इनके पीछे एक बार मत भागना। कितनी है क्रम से पूछ लिया, आरोही अवरोही, इसके आंकड़े आने में समय लगेगा, ठीक है। लिखो अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, अब जब हमने गंगानगर को काटा तो बीकानेर को भी काटा, बीकानेर की तो विशेष रूप से एक ही काटा है, बाकी गंगानगर को काटा लगभग, तो वहां कितने बचे हैं? तो लिखो वर्तमान में गंगानगर में छह तहसील और बीकानेर में आठ बची है, वर्तमान में गंगानगर में छह तहसील और बीकानेर में आठ तहसील बची है। अनूपगढ़ नाम है तो किसी राजा के नाम पे है, अनूप सिंह, राजा हो जाएगा अनूप सिंह। इसका पुराना नाम था चुंगेर, तो लिखो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम था चुंगेर, और अनूप सिंह ने यहां 1678 में एक दुर्ग बनवा दिया। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर था, चुंगेर, अनूप सिंह ने 1678 में यहां चुंगेरगढ़ बनवाया, बाद में अनूपगढ़ हो गया। हैं? पीडीएफ निकाल लिया, कोई बात को नहीं। चुंगेर नाम था प्राचीन, बस इतना ही आता, अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर नाम, ठीक है। रायसी नगर, अब आप जिक्र करा मैं था, कौन सा जिला एक बार दोबारा बताओ, एसी और क्यों, कितना किला की होनी चाहिए और कितना रिपिया होनी चाहिए, ठीक है। अनूपगढ़ कौन सो, छत्तरगढ़, खाजूवाला, गढ़साना, रायसी नगर, रावला, रायसी नगर, अभी आर मान लाग रहे क्यों, रायसी नगर, और क्या हो गया, और श्री किए रहेंगे,
श्री विजयनगर। अब क्या ध्यान रखना है और अब हमें यह देखना है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इन तीनों में ये स्थान कहां कहां काम में आते हैं। नंबर एक बात है अनूपगढ़। अनूपगढ़ बता दिया, ज्योग्राफी में आपके काम आएगा कि गंगर नदी के किनारे है, यह बात आप पहले ही लिख चुके हो, बाकी इसकी कोई विशेष बात है नहीं। ठीक है, अनूपगढ़ की और कोई एक शाखा जरूर थी, कौन सी? अनूपगढ़ शाखा इंदिरा गांधी नहर की, वो ये शाखा है। ठीक है, छत्तरगढ़ का कहीं जिक्र नहीं है, ना कल्चर में कहीं जिक्र आता है, ना ज्योग्राफी में कहीं जिक्र आता है, ना हिस्ट्री में कहीं इसका जिक्र आता है। कुछ नहीं बदला, बात खत्म। खाजूवाला कोई विशेष जिक्र नहीं है आपका, ज्योग्राफी में कोई नाम कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए तो भले, बाकी हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं है खाजूवाले का, और कल्चर में भी कहीं जिक्र नहीं है। बस इतनी कह सकते हैं कि अनूपगढ़ जो शाखा थी ना, उसका पानी यहां आता था। इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा का पानी कहां आता था? खाजवान गड़साना, इसका जिक्र आता है हिस्ट्री के अंदर, जब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं, अंतिम किसान आंदोलन रावला गड़साना में हुए थे 2004 के अंदर। तो नीचे लिखो, अब पूछेगा गड़साना कहां है, अब अनूपगढ़ करना है, पहले क्या लिखवाया था? गंगानगर। तो लिखो गड़साना किसान आंदोलन या रावला गड़साना किसान आंदोलन, आगे लिखो अनूपगढ़। हर बात के आगे जिला लिखना है ताकि पढ़ते समय याद हो जाए। अब लिखो रावला गड़साना अनूपगढ़, अंतिम किसान आंदोलन 2004, अंतिम किसान आंदोलन 2004, चंदूलाल शहीद हुआ, चंदूलाल शहीद हुआ, यहां केजरीवाल व गोयल आयोग की स्थापना की गई थी, केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन किया गया था। रावला गड़साना अंतिम किसान आंदोलन है जो 2004 में हुए थे, वर्तमान में ये कहां आ गए? अनूपगढ़। बार बार ये चीज ने याद रखनी है, वर्तमान में ये कहां गए? यहां केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन किया गया था, केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन किया गया था। थोड़ा ऊपर करी, काल कैमरे ने थोड़ा ऊपर करी, अटक लेन ला रही है, जरूरत को नहीं है, कौन जोर लागे, अरे इतो दिख बो करे, ठीक है, स्टूडियो में तुम्हारी यूट्यूब नीचे कच्छो ही पहना रखे, पढ़ा बो करे, ऊपर एकदम टाइट भी लगा रखी है, नीचे कच्छो पे रखे पड़े, इन मत बेरो पड़े। हाँ, और कौन सी जगह बताई थी? हाँ, रायसी नगर, कहीं जिक्र नहीं है, प्राचीन समय में ये बैंक के लिए बड़ा फेमस सेंटर था रायसी नगर, अगर आपको जानो, बैंक की तैयारी करने वालों का ये तीर्थ स्थल था, यानी बैंक की तैयारी करने वाला एक बार तो यहां हाजिरी लगा के जाता ही जाता था, बैंक का जब क्रेज हुआ करता तो रायसी नगर बड़ा फेमस था। श्री विजय नगर का भी कहीं जिक्र नहीं है, ना हिस्ट्री में है, ना ज्योग्राफी में है, ना कल्चर में। अब अपनो एक प्रश्न जगह आप ऊटपटांग बनावा के इस जिले की आकृति कैसी है, चलो देखते हैं कैसी है। ऐसी है, अब ये कैसी है भैया, भी तो देखा, ये अनूपगढ़ की आकृति है, मैं बर्बाद दूंगा मैप, ये अनूपगढ़ की आकृति है, तो कैसी आकृति है इसमें मिल रही है, ये पाकिस्तान की आकृति है भैया, ये अनूपगढ़ है, ये पाकिस्तान है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब पाकिस्तान की कैसी है, पाकिस्तान की आकृति कुत्ते जैसी है, देखो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारे अनूपगढ़ की आकृति कुत्ते जैसी है, हम पाकिस्तान के लिए तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे अनूपगढ़ की आकृति शेर जैसी है, लो तो लिखो आकृति बैठे शेर की तरह या पाकिस्तान की तरह, बैठे शेर की तरह आकृति या पाकिस्तान की तरह,